गांधी सेतु के पश्चिमी लेन की शुरुआत कल हो गई, जिसकी खबरें भी आपने हमारे चैनल पर देखा था। लेकिन आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि मेरे पीछे से गाड़ियाँ जो आते हुए आप देख रहे हैं, इसका स्पीड आप देख लीजिए किस तरह से निर्बाध रूप से ये चल रही है। लगता है कि गांधी सेतु का ट्रैफिक ही खत्म हो गया, इस पर ट्रैफिक नाम का कोई चीज़ नहीं रह गया। और मेरे उस तरफ में दाहिनी तरफ भी गाड़ियों को आप चलते हुए दिखाई देता होगा कि गाड़ियाँ किस तरह से फर्राटा भर रही है उधर से। तो अब जो खबर है ये है कि ये पूर्वी लेन को भी अब कुछ दिन बाद तोड़ा जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से पश्चिमी लेन पर जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो पूर्वी लेन से लोग जाते आते थे तो कितना बड़ा समस्या था, हमेशा जाम से जूझना पड़ता था। इस रेलिंग पर जो फुटपाथ बने हैं इस पर बाइक चलती थी, उस तरफ तो वो भी नहीं है। तो जब ये लेन बंद हो जाएगा तो फिर क्या होगा आने वाले 1.5 साल तक, 18 महीना कर ये सरकार लगेगा बनाने में। ऐसे में एक आवाज़ उठाया गया है कि गांधी सेतु बचाओ। इसके कन्वेनर हैं डॉक्टर बी मृणाल झा, वो कहते हैं कि जब तक गांधी सेतु के पैरेलल कोई पुल नहीं बन जाता तब तक गांधी सेतु के पूर्वी लेन को ना तोड़ा जाए। जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ से पूरब तरफ में, अगर आप यहाँ खड़े होंगे गंगा नदी जहाँ से बहती है, तो आपको पिलर जैसा दिखाई देगा, कई पिलर खड़े हैं। ये बिजुपुर कच्ची दरगाह ब्रिज का पिलर्स हैं जो खड़े हैं और उस पर अभी सुपर स्ट्रक्चर का काम हो रहा है। उम्मीद है कि 2021 में वो बनकर तैयार हो जाएगा। तो ऐसे में सरकार को चाहिए कि जब तक इसका वैकल्पिक कोई रास्ता ना बन जाए तब तक पूर्वी लेन को ना तोड़ा जाए। इसके लिए कल हम लोग ट्विटर पर एक आवाज़ उठा रहे हैं #गांधीसेतु बचाओ के नाम से। आप भी इस मुहिम में जुड़ सकते हैं, ट्विटर पर जाइए और #गांधीसेतु बचाओ लिख करके आप भी अपना संदेश सरकार तक भेजिए। आप अपनी आवाज़ जो है उठाइए, कहिए तो इस मुहिम के आवाज़ को आप मजबूत कीजिए। जहां मैं खड़ा हूं यहां से गाड़ियां देखिए पीछे की तरफ जाते हुए आपको दिखाई देगा, निर्बाध रूप से गाड़ियां, कहीं भी ब्रेक करने का ज़रूरत नहीं है। उस पर ट्रैफिक चल रहा है दोनों लेन का, तो उसमें उसके सुपरस्ट्रक्चर में जान बचा हुआ तभी तो चल रहा है। तो उसको 2-3 साल अच्छा से रिपेयरिंग करके उसको बढ़ाया जा सकता है। तो बिहार अब गांधी सेतु पर जाम की समस्या से बचने के लिए, या कहिए तो गांधी सेतु पर एम्बुलेंस में फंसे लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए इस मुहिम का आप भी हिस्सा बने। तो आइए साथ मिलकर आने वाले रविवार यानी 2 अगस्त को 12 बजे से 5 बजे के बीच #गांधीसेतुबचाओ के साथ ट्विटर पर आप अपना संदेश जरूर लिखें। आपका संदेश चलेगा तो ट्विटर के जरिए सरकार तक पहुँचेगा। तो उम्मीद है कि 8 करोड़ उत्तर बिहार वासियों का सपना आपके एक मैसेज से साकार हो जाएगा। तो बिहार आइए ट्विटर आवाज उठाइए, गांधी सेतु बचाओ।